प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंदर आ। क्या हुआ दादाजी? तू पढ़ना चाहता है? पढ़ना तो चाहता हूँ पर मैं पढ़ नहीं सकता। अगर तू पढ़ना चाहता है तो तू जरूर पढ़ेगा, और जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ेगा। कैसे दादाजी? तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। आप दोगे? सच दादाजी? हाँ बेटा, और तू आज से ही स्कूल जाएगा। लेकिन सुन, टप्पू या किसी और को कभी मत बताना हाँ, कि तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दे रहा हूँ। क्यों दादाजी? क्योंकि बेटा, तू और टप्पू दोनों एक ही क्लास में हो, और मैं ये नहीं चाहता कि तू जब भी टप्पू से मिले तो तुझे थोड़ा सा भी संकोच हो। हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तू जब भी टप्पू से मिले तो एकदम खुल कर मिले, जैसे पहले मिलता था। थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादाजी। जा बेटा जा, स्कूल जाने की तैयारी कर। पापा, आपको एक बात पूछूं? पूछ। रवि की पढ़ाई का खर्चा हम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। और दे सकते हैं क्या? हम देंगे। थैंक यू दादाजी। पर दादाजी, रवि की पढ़ाई का खर्चा हम दे रहे हैं, ये बात मैं जानता हूँ, वो रवि को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या? क्योंकि दादाजी, मैं और रवि एक ही क्लास में, और अगर उसे पता चला कि मैं ये बात जानता हूँ तो वो मुझसे खुलकर नहीं मिलेगा। वो जब भी मुझसे मिलेगा तब शर्म और संकोच में ही रहेगा। वाह टपुड़ा वाह, तू बड़ा होके पैसे कमाए या ना कमाए, लेकिन गड़ा खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ। शाबाश टप्पू। वाह बेटा। लेकिन बापूजी, ऐसे तो कितने सारे रवि होंगे जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते। अंकल, हम ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर नहीं सकते। अरे सोनू, ऐसे तो कितने बच्चे होंगे, इतने सब बच्चों की पढ़ाई के लिए तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? बैंक से। बैंक से? हाँ, मेरे पापा कहते हैं कि बैंक पे बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन वो सारे पैसे हमारे नहीं होते बेटा। टप्पू के पापा, क्यों ना हम भीड़ो भाई को कहते हैं कि सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में लिख दे कि इसके लिए जिसको भी मदद करनी हो वो कर सकते हैं। अरे हाँ दादाजी, एक मस्त आइडिया है। जीपीएल में जो सुंदर मामा ने भीड़ अंकल को पैसे दिए थे, वो पैसे हम प्रिंसिपल सर को दे दो। हाँ, ये बात सही है। चलो सब भीड़े के घर चलते। चलो चलो चलो। एक मिनट बाबूजी। हाँ एक मिनट। ये बाबूजी, ये 25,000 है, वो बच्चों की पढ़ाई में हमारी तरफ से जोड़ लेना। शाबाश जेडिया। पापा, I'm proud of you। अरे चलो बच्चों, तुम लोग नीचे उतरो, मैं 2 मिनट में कपड़े बदल के आता। बाय पापा, बाय मम्मी, बाय बाय, बाय बाय।
वाह वाह टप्पू के पापा, आप तो वो क्रिकेट सिखाने वाले कांच की तरह निकले। मतलब? मतलब कांच खुद क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं, लेकिन सामने वाले को मैच सीखने के लिए मदद जरूर करते हैं। ठीक उसी तरह आप पढ़े नहीं हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। वाह। अरे नहीं नहीं दया, हम कौन होते हैं मदद करने वाले? ये तो भगवान ने हमें इतना दिया है तो उसमें से थोड़ा भगवान को वापस दे रहे। भगवान मतलब? अरे वो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे हाँ। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ एक लाख ये 62,000 और ये पूरे 111 रुपए हो गए। माधवी, ओ माधवी, 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 काय झालं? मैं जरा बैंक में ये पैसे डाल के आता हूँ। कैसे पैसे? वो सुंदर भाई ने दिया ना जीपीएल के, पूरे 162,111 रुपए। अरे बाप रे, आप अकेले जाएंगे? हाँ क्यों? नहीं नहीं, मैं क्या कहती हूँ, आप अब्दुल को साथ में लेके जाइए। इतने पैसे हैं आपके पास, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा माधवी। नहीं नहीं, फिर भी आप अब्दुल को साथ में लेके ही जाइए। और हाँ, रिक्शे से जाना, आपकी वो स्कूटर को लेके मत जाना, वो पता है ना 10 बार कैसे बंद पड़ा। कर लो, मैं रिक्शे से ही जाऊंगा। तुम भी कितना डरती हो माधवी। अरे बाप रे, अभी कौन आया होगा? अरे सोनू, तू स्कूल नहीं गई अभी तक? हाँ? अरे चाचा जी, आप भी आइए 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 आइए। चाचा जी, आप बच्चों के साथ और तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? वो पैसे चाहिए। किस बात के? स्कूल की फीस भरनी है, किताबें और यूनिफॉर्म लेना है। हाँ। अरे लेकिन ये सब खर्चा तो तुम्हारे पेरेंट्स को करना होता है, सोसाइटी इस बात का खर्चा नहीं उठाती भाई। हाँ है भिंडी मास्टर, पैसे टप्पू सेना की फीस के लिए नहीं चाहिए। हाँ। अरे जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए चाहिए। ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो हमने सोचा है कि कल जो सुंदर ने तुम्हें पैसे दिए उसमें से 1,00,000 रुपए इनके स्कूल के प्रिंसिपल को दे दे, ताकि उन पैसों से जरूरतमंद गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सके। हाँ। अरे वाह, अप्रतिम क्या बात है। हाँ, खरच चांगली गोष्ट है। बाबा पता है जेठांगल ने 25,000 रुपए दिए। हाँ। हाँ। हो, क्या बात है, चाचा जी जेठांगल ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। और वैसे भी चाचा जी, विद्या दान से कोई बड़ा दान नहीं होता। हाँ, और बच्चों को शिक्षा मिले इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ। चाचा जी मेरा तो मानना है कि अगर किसी को खाना दो तो उसका एक दिन अच्छा गुजरता है, अगर किसी को पैसा दो तो उसके कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं, लेकिन अगर किसी को शिक्षा दो तो उसका पूरा जीवन अच्छा गुजरता है। सही कहा तूने। चाचा जी हम तो इसमें से 1,00,000 रुपया दान देंगे ही, साथ में मैं अपनी तरफ से भी पैसे दूंगा। भिड़े अंकल, आप भी 1,00,000 रुपए दोगे? गोड़िया, मैं 1,00,000 रुपया नहीं दूंगा, मैं 5,000 रुपए दूंगा। शाबाश आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। माधवी पहली बार मुझे चाचा जी ने भिंडी मास्टर नहीं आत्माराम तुकाराम भिड़े बुलाया है। ए भिंडी मास्टर, हां भाई जल्दी पैसे दे, स्कूल में जाने में देर हो रही है। बातें करने बैठ गया। नहीं नहीं, मैं तो माधवी को बता रहा था कि अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, वरना क्या मैं अभी बैंक में चला जाता तो मुझे वापस बैंक में जाके वो पैसे निकालने पड़ते। इसीलिए कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
वो कहते हैं ना, आज करो सो कल, कल करो सो परसों। बोलिया कहावत उल्टी है बेटा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ चाचा जी ये रहे पैसे। मैं क्या कहती हूँ, पैसे देने से पहले सोसाइटी वालों को पूछ लेते हैं एक बार। अरे माधवी तुम सोसाइटी वालों की चिंता बिल्कुल ही मत करो, ये सोसाइटी वाले मेंटेनेंस का 1000 रुपया भरने में लाख नखरे करते हो, आपस में लाख झगड़े करते हो, लेकिन ये लाख रुपए दान करने में किसी को कोई हरकत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक चाचा जी ये एक ये रहे आपके 1 लाख रुपए और 1, 2, 3, 4, 5 ये रहे मेरे 5000 रुपए। अरे भीड़ अंकल ये आपकी तरफ से कहा है, ये तो सोसाइटी की तरफ से है। अरे घोड़ा वो तो मैंने अभी इसमें से पैसे दिए हैं, बाद में अपने पैसे इसमें डाल दूंगा। हाँ समझ गया आगा। अच्छा चाचा जी आप जरा प्लीज संभल कर जाना, क्या है आपके पास रकम है और बहुत बड़ी रकम है एक्चुअली। अरे चिंता मत कर भिंडी मास्टर, हम लोग सब टैक्सी से चले जाएंगे। हाँ ठीक है ओके। चलो बच्चों बाय 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 बाय, संभल कर जाना। संभल क्या चाचा जी। वाह अच्छा माधवी सबसे पहले कपाट में से 5000 रुपए लेके आओ। हाँ वो अभी कभी डाल देता हूँ इसमें मैं। कितना हुआ भाई? 30 रुपया चाचा जी। हाँ ले अच्छा ले 30। अरे बोले अरे गोगीड़ा मेरे संभाल के संभाल के। अरे गोगीड़ा देख के इतने घाई करते हैं, लगी तो नहीं? पर नहीं चाचा जी मुझे नहीं लगी। हाँ चल शाबाश चल चल चल। रवि तुझे पता है हम सबको तुझे यहाँ पर स्कूल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी स्कूल में आके बहुत खुशी हुई है। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं। नहीं रवि तू जा, हमें प्रिंसिपल सर से काम है। ठीक है क्लास में मिलते हैं। हाँ। चलो दादाजी चलो। थैंक यू दादाजी। अरे बच्चों आओ आओ आओ। नमस्ते। अरे चाचा जी आप आइए बैठिए बैठिए बैठिए। वो सर दादाजी को आपसे बात करनी थी। हाँ अच्छा क्या बात है चाचा जी? वो बात ये है कि आप तो जानते ही हैं कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो समझ गया, आप फीस कम करवाने की बात करने आए हैं? नहीं सर हमने तो पूरे साल की फीस भर दी है। सर आप दादाजी की बात तो सुनिए। ओके कहिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आजकल पढ़ाई भी बहुत महंगी हो गई है, उस वजह से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। इस बात का तो अफसोस हमें भी है। इसलिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से हम स्कूल को 1,30,000 रुपए देना चाहते हैं। हाँ। ताकि इससे जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद मिल सके। वाह चाचा जी वाह, शरारत में भी गोकुल धाम की टपू सेना नंबर वन और अच्छे काम में भी नंबर वन। वाह। हाँ सर मेरे दादाजी कहते हैं कि जो भी काम करो उसमें नंबर वन रहो। लेकिन टपूड़ा मैं शरारत में नंबर वन रहने के लिए नहीं कहता हूँ। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे हमारा ट्रस्ट भी काफी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है, लेकिन आपकी इस मदद से काफी स्टूडेंट्स का भविष्य सुधर जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी के नाम की रसीद भी बनवा देता हूँ। धन्यवाद टप्पू। बेटा बैग देना। जी दादा ये लीजिए। अरे बेटा ये नहीं पैसों का बैग। दादाजी वो मेरे पास नहीं है, वो तो सोनू के पास था। टप्पू तूने मुझे कब दिया? दादाजी आपके पास ही था बैग। मेरे पास? हाँ बैग तो मेरे पास ही था। अरे गोगीड़ा संभाल के। अरे गोगीड़ा
हे भगवान, ये रोगी जब टैक्सी से उतरा और गिर गया तो उसे संभालने के चक्कर में मैं भी जल्दी जल्दी उतर गया। इसका मतलब कपूरा बैग टैक्सी में ही रह गया। बैग टैक्सी में ही रह गया। लेकिन दादाजी टैक्सी तो चली गई होगी। ये क्या, ये तो टैक्सी वाले की मदद हो गई। एक मिनट, आप लोगों ने टैक्सी का नंबर नोट किया था? नो सर, हमें थोड़ी पता था कि दादाजी टैक्सी में बैग भूल जाएंगे। कैसा दिखता था? काला पीला। आदमी कभी काला पीला हो सकता है? मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टैक्सी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं टैक्सी नहीं, टैक्सी ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। वो दिखने में कैसा था? अरे सर, वो ना थोड़ा गोरा था और वो शांत। हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। चाचा जी, मुझे लगता है आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ ठीक कहा आपने, मैं अभी जाता हूँ पुलिस स्टेशन। चलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, आप स्कूल के लिए इतनी सहायता कर रहे हैं तो क्या मैं इतनी छोटी सहायता नहीं कर सकता हूँ? चलिए ठीक है पापा, चलो हम भी चलते हैं। नहीं बच्चों, आप सब लोग अपने अपने क्लास में चले जाइए, क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, हम सिर्फ स्कूल के गेट तक आते हैं। चलो चलो चलिए आइए। मिस रोजी, मैं इन लोगों के साथ जरा पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। क्यों सर, अब क्या किया टप्पू सेना ने? नहीं नहीं, टप्पू सेना ने कुछ नहीं किया, ये तो उनके दादाजी ने। अरे ऐसे मत देखो मुझे, मैंने कोई शरारत नहीं की है। वो तो मैं टैक्सी में पैसों का बैग भूल गया हूँ, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। ओ माय गॉड, चाचा जी। ओ चाचा जी। अरे ओ भाई, अंदर नहीं जाने का बोला ना, मना करा। अंदर आ रहे, आ रहे, आ रहे चाचा जी, आ रहे। सामने टैक्सी नहीं रखने का। चाचा जी, ये आप अपना बैग मेरी टैक्सी में भूल गए थे। मैं भूल गया था भाई। हाँ शुक्रिया भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। तुम्हें पता है इसमें क्या है? हाँ चाचा जी, मैंने देखा है, पैसे हैं, गिन लीजिए। अरे नहीं भाई नहीं, अरे तूने ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसाल दी है, अब पैसे गिन के मैं तेरी ईमानदारी का अपमान नहीं करूंगा। सच कहा आपने, हमें तुम पर और तुम्हारी ईमानदारी पे बहुत गर्व है। हाँ अरे, लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग चलते फिरते बेईमानी करते हैं, पर तू दिन में 12-16 घंटे टैक्सी चलाता है, मेहनत करता है, फिर भी तुझ में ईमानदारी है। वाह शाबाश। बच्चों, इस अंकल का ये गुण हमेशा याद रखना। जी दादाजी। 15 अगस्त को स्कूल फंक्शन में हमारे स्कूल की तरफ से तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से तुम्हें 11,000 रुपए इनाम दूंगा। नहीं चाचा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपने मेहनत की खाते हैं, आपका आशीर्वाद और मान ही हमारे इनाम है। मैं चलता हूँ, मैं धंधे का टाइम हो रहा है। जय राम जी की। ठीक है। बताओ बच्चों, वो कौन जा रहा है? टैक्सी वाला। नहीं, वो टैक्सी वाले के भेष में हम सबसे इंसानियत में बड़ा खुददार और एक महान इंसान जा रहा है, और महान वो इसलिए है क्योंकि उसे अपने नेक काम के लिए वाह वाही भी नहीं सुननी। बिल्कुल सच कहा चाचा जी। आइए हम मेरी कैबिन में चलते हैं। बच्चे लोग अपने अपने क्लास में जाओ, टाइम हो गया है, चलिए। ₹1,30,000 की राशि स्कूल में दे दी गई। आपको क्या लगता है मेरी ये तालियां इन ₹1,30,000 के लिए है जो स्कूल में दी गई? मेरी ये ताली इन रुपयों के लिए इसलिए है कि एक टैक्सी वाले ने इसे वापस लौटा दिया? मेरी तालियां इन रुपयों के लिए नहीं है, मेरी तालियां इन रुपयों के पीछे उस भावना की है जो एक तरफ उस टप्पू जैसे बच्चे के दिल में आती है कि किसी और बच्चे की शिक्षा के लिए इन रुपयों का स्कूल में होना बहुत जरूरी है। मेरी ये तालियां उस भावना के लिए जो टैक्सी वाले के दिल में आती है कि मेरे लिए ईमानदारी का रुपया सबसे बड़ा है और चोरी का रुपया मुझे नहीं चाहिए। ईमानदारी और किसी का सहयोग करना, जीवन में इससे बड़ी कोई दो भावनाएं नहीं हो सकती। दान
मैं इस शब्द की बात नहीं करता क्योंकि मुझे इस शब्द से बड़ी चिढ़ है। जिंदगी में दान शब्द नहीं होना चाहिए, शब्द होना चाहिए सहयोग। और सहयोग ऐसा होना चाहिए कि दायां हाथ करे तो बायां को पता ना चले। जिंदगी में अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सोचिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अगर आप समर्थ हैं तो आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा कि जिस तरह इन बच्चों ने बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है, अगर आप मेरी बात सुनते हैं, मैं जानता हूं आप मेरी बात सुनते हैं और आप मेरी बात मानते भी हैं, तो मेरी एक बात मान लीजिए कि अगर आप समर्थ हैं तो सिर्फ एक बच्चे की शिक्षा का बीड़ा उठा लीजिए और जब उस बच्चे के सपने पूरे होंगे, जब वो बच्चा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तब सारी जिंदगी ये कहेगा कि आप वो शख्स हैं जिनकी वजह से उसने ये दिन देखा। एक बच्चे को शिक्षा देने का आपका प्रण समाज को बहुत खूबसूरत बनाएगा, एक रहने के लिए खूबसूरत जगह बनाएगा और आपकी हंसी की रक्षा करेंगे हम। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे, बस आप बच्चों को पढ़ाते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।